नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जायसवाल आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी चैनल में। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में पूरे कंप्लीट तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर उनको किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना होता तो सिंपल सा कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद किसी सॉफ्टवेयर जैसे कोई एग्जैक्ट उनको क्रोम को अनइंस्टॉल करना है तो क्रोम पे राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देते हैं। क्रोम तो अनइंस्टॉल हो जाता है बट उसके प्रोग्राम फाइल्स में कुछ फाइल्स रह ही जाते हैं, तो उससे कैसे पूरे कंप्लीट तरीके से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा रियो अनइंस्टॉल के थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन के जो भी प्रोग्राम फाइल्स में फाइल्स रहते हैं उसे कंप्लीट तरीके से डिलीट कर सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सब सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। रिवो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं तो वो पूरे कंप्लीट तरीके से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करता है। उस सॉफ्टवेयर के जो फाइल्स होते हैं प्रोग्राम फाइल्स या फिर ऐप डेटा हर जगह से वो क्लियर करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिवो को यूज करना है और कैसे पूरे कंप्लीट तरीके से अनइंस्टॉल करता है। अगर आपको रिवो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप रिवो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। रिवो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से रिवो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है सिंपल सा उस सॉफ्टवेयर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे को अभी BLC अनइंस्टॉल करना है, BLC मीडिया प्लेयर, इसको मैंने सिंपल सिलेक्ट कर लिया। इस पर आप राइट क्लिक करके भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल टैब पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल का टैब है, इस पर भी क्लिक करके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर को मैं अनइंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको डिलीट पे इस पर भी क्लिक कर दीजिए, जो भी कैसे फाइल्स होगा इस सॉफ्टवेयर पे वो सब डिलीट हो जाएगा। अनइंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि देख रहे हैं अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, अभी फिनिश हो गया इधर से। बट अभी यहाँ से मैं स्कैन करूँगा, एडवांस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करेंगे तो जो भी इसके प्रोग्राम फाइल्स या फिर ऐप डेटा में जो भी फाइल्स है वो यहाँ से आपको शो हो जाएगा, जितने भी फाइल्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं, अभी स्कैन हो रहा है तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है, 1 से 2 मिनट का स्कैन करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर के जो भी ऐप डेटा या फिर प्रोग्राम डेटा का फाइल रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस जो VLC मीडिया प्लेयर के फाइल्स हैं अभी भी प्रोग्राम फाइल्स में है, नॉर्मल तो अनइंस्टॉल हो गया बट अभी भी यहाँ पर स्कैन करने पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको बताया था कि प्रोग्राम फाइल्स या फिर ऐप डेटा में इसके फाइल्स रह ही जाते हैं, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वो फाइल सारे स्कैन हो चुके हैं, यहाँ पर शो भी हो रहे हैं कौन कौन से फाइल्स हैं और कहाँ कहाँ कौन से लोकेशन पे हैं अभी फिलहाल। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंपल सा आपको इस पर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे फाइल्स जो भी हैं ऐप डेटा या फिर प्रोग्राम फाइल्स में वो सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट यस कर देना है, जैसे कि देख सकते हैं डिलीट हो गया बट एक फाइल अभी भी रह गया, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद आपको फिर से डिलीट पे क्लिक कर देना है, फिर यस कर देना है। इसी तरह से जैसे कि देख सकते हैं फाइनली ये पूरा जो VLC मीडिया प्लेयर है हर जगह से मतलब अनइंस्टॉल तो हुआ ही, उसके बाद जो उसके प्रोग्राम फाइल्स पे या फिर ऐप डेटा में जो भी फाइल्स था वो सारे अनइंस्टॉल हो गया। तो इसी तरह से बहुत आसानी से आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को पूरे कंप्लीट तरीके से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसके फाइल्स वगैरह पूरे डिलीट कर सकते हैं। तो आज मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल या सुझाव हो रिवो अनइंस्टॉल के बारे में तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। अगर ऐसे टेक्नोलॉजी वीडियो आपको पसंद है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन दबा के रखें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।